गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा फर्स्ट विषय सामाजिक अध्ययन और हमारा आज का प्रकरण है ग्लोब, जिसमें अक्षांश तथा देशांतर हम इसका अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में भी हमने इसके कुछ तथ्यों को देखा था। इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, हमने लिखा है हम ब्लैक बोर्ड में कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम उष्णकटिबंधीय कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने वो ग्रुप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो ये रही हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुव रेखा भी कहते हैं, और इस रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23 अक्षांशों पर कर्क रेखा, और इसी रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23 अक्षांशों पर हमारी मकर रेखा। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, मकर रेखा और ये हमारी कर्क रेखा, ठीक है। तो यहाँ जो टॉपिक है उसका कहने का मतलब है कि ये ताप कटिबंध है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, अर्थात सूर्य वर्ष भर इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर जो है वर्ष में किसी भी समय जो है सूर्य सर के ऊपर जो है चमकता है, जैसे यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये ताप कटिबंध है, यानी कि यहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णता अधिक होती है। सूर्य की किरणें यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से 23 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से 23 अंश दक्षिणी अक्षांश में हमारी मकर रेखा। ये ताप कटिबंध है, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ की जो है इन कटिबंधों में से किसी न किसी स्थान में वर्ष विशेष में किसी एक समय में सूर्य जो है सर के ऊपर सीधा चमकता है। सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सीधी सीधी पड़ती हैं, यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है, ठीक हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे कि इसमें इस क्षेत्र को सबसे अधिक उष्णता प्राप्त होती है, और इस पूरे क्षेत्र को ही हम जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और किसी न किसी भाग में उस समय सूर्य सर के ऊपर जो है चमकता रहता है, ठीक है ना। जैसे हम सपोज करते हैं कि 21 मार्च को, ठीक है ना, तो 21 मार्च को जहाँ सूर्य की स्थिति जो है हमारे भूमध्य रेखा पर होती है, तो उस समय दिन और रात की जो अवधि है दोनों क्षेत्रों में बराबर हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल सूर्य जो है केंद्र में भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है। उसके बाद धीरे 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 जो उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, तो हम देखते हैं कि 21-22 जून के आसपास जो है सूर्य कर्क रेखा पर होता है। तो वहाँ सूर्य के सर के ऊपर चमकने के कारण हम देखते हैं कि इस समय जो जून का महीना होता है उसके आसपास वहाँ भीषण गर्मी की अवस्था हमारे यहाँ देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद जो कर्क रेखा से सूर्य जो है धीरे धीरे फिर दक्षिण की ओर वापस होता है, और भूमध्य रेखा में आता जो है 23 सितंबर के आसपास आता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 23 सितंबर यहाँ जो है आपके जून महीने के बाद धीरे धीरे गर्मी कम होने लग जाती है, अर्थात सूर्य का अपने मूल स्थान यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आना फिर शुरू हो जाता है। तो यहाँ 23 सितंबर में फिर से सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। उसके बाद यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, यहाँ से 23 सितंबर से दिसंबर मध्य की ओर सूर्य का आना जो है मकर रेखा की ओर होता है। तो हम देखते हैं कि इस समय इस मकर रेखी भूभागों में जो है गर्मी की उष्णता होती है, गर्मी अधिक होती है, और इसके विपरीत ठीक उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु हो रही होती है, अर्थात वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती है। तो यहाँ सूर्य सर के ऊपर चमकता है, ठीक है ना। फिर यही स्थिति फिर शुरू हो जाती है कि यहाँ से सूर्य फिर वापस होता है और फिर भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होता है, और 21 मार्च को फिर वही स्थिति होती है,
ठीक है ना। अर्थात पूरे वर्ष में कहीं ना कहीं इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य सर के ऊपर चमक रहा होता है और ये क्षेत्र उष्णता प्रधान क्षेत्र है, इसलिए हम इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, अर्थात इस रेखा और इस रेखा यानी इस भाग के अलावा जो कि ऊपर की या उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण गोलार्ध के भाग, यहाँ कहीं भी जो है सूर्य जो है सर के ऊपर नहीं चमकता, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र, फिर यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध हो गया, यानी कि 23 अक्षांश तक हमारे ये ताप केंद्र हो गया, उसके बाद आपके 66 तक शीतोष्ण कटिबंध, ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में भी आपके 66 तक जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन क्षेत्रों में, और उसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, जिसे हम शीतोष्ण की बजाय शीत कटिबंध कर, यहाँ शीत और उष्ण, यानी कि यहाँ शीत और उष्ण दोनों की प्रधानता रहती है, लेकिन ये उष्ण है, यहाँ उष्णता ज़्यादा रहती है, लेकिन ये शीत है, यानी कि यहाँ उष्ण बिल्कुल नहीं होता, बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है ना, यानी कि बर्फ रहती है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध का शीत कटिबंध हो गया 66 अक्षांशों के बाद, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध का शीत कटिबंध हो गया 66 अक्षांशों के बाद, जिसे हमने उत्तरी ध्रुव क्षेत्र यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी कर्क वृत्त के बीच का क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी कि इस उष्ण प्रधान क्षेत्र की अपेक्षा इन क्षेत्रों में शीतोष्ण वाले हैं, यहाँ तापमान मध्यम रहता है, सूर्य की किरण तिरछी होती है। लेकिन जब ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ और भी तिरछी किरणें हो जाती हैं, सो परिणाम स्वरूप जो है वहाँ उष्णता बिल्कुल नहीं होती और बर्फ जमी रहती है। ऐसे ही आगे कह रहा है कि इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत, जो अभी मैंने बताया उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ भी ये वाला क्षेत्र ध्रुव होता। तो कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, तो सीधी सी बात है जब सूर्य की किरण बिल्कुल ही तिरछी पड़ेगी और वहाँ उष्णता नहीं होगी तो निश्चित है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ हमें चारों तरफ दिखाई देगी, चाहे वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ केवल बहुत ठंड होती है, केवल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, लाइके और मास जैसी यहाँ वनस्पतियाँ हमको नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, जो क्षितिज है हमारा इससे यहाँ इस तरह से इससे ऊपर नहीं आ पाता, तो बिल्कुल सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में तिरछी तिरछी पड़ती है, इसलिए ये शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और जो क्षेत्र की हम अभी बात कर रहे थे वह हमारा शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध और शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से हमने आज उष्ण कटिबंध की बात करी, चर्चा करी, शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्ध में उसकी चर्चा करी, और शीत कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी चर्चा करी। ठीक हो गया बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।